अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन खान और आप देख रहे हैं जी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है आप सबके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल स्टोरी चैनल होना चाहिए, या आप चाहते हैं कि आप स्टोरी वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन आप परेशान हैं कि आप स्टोरीज के लिए स्टोरी मटेरियल कहाँ से लाएं, तो आज हम आपका ये मसला हल करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको मुकम्मल समझ। जी हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स की ये ख्वाहिश होती है कि जो नजर आने वाला आसान तरीन काम है यूट्यूब की लाइफ के अंदर, यूट्यूब की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे आसान काम यही नजर आता है कि स्टोरी चैनल बनाओ और पैसे कमाओ। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे दोस्त हमारे चैनल तो बना लेते हैं, स्टोरी वीडियो एक दो तीन बना लेते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं कि स्टोरीज उनके पास होती नहीं है, मटेरियल उनके पास होता नहीं है और वो क्या करें क्या ना करें। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पास रोजाना की बुनियाद पर एक नहीं दो नहीं दसियों किस्म की स्टोरीज का मटीरियल आपके पास हुआ करेगा और आप जब चाहें जैसे चाहें जिस तरह के चाहें स्टोरी को सिलेक्ट कीजिएगा और आप उसे अपनी आवाज में डब कीजिएगा और अपने चैनल के लिए पोस्ट कर दें। और ये भी गारंटी देता हूं कि आपको उस चैनल के ऊपर किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं आने वाला, उस स्टोरी के ऊपर कोई आपको एतराज नहीं करने वाला। तो चलते हैं हम इस सेगमेंट के अगले हिस्से की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको तमाम स्टोरीज की थोड़ी सी बताई, अब हम चलते हैं कि इसका तरीका कार क्या होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपके चैनल की जो बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, जो आप वीडियो के बैकग्राउंड में लगाएंगे, वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए। वो कहां से करना है? आपकी अगर स्टोरी सैड है तो आपने YouTube की लाइब्रेरी में जाकर वहां से सैड म्यूजिक की जो जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं, जितनी हो सकती हैं, सैड म्यूजिक को आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी सी उसके अंदर चहल पहल है तो आप उस तरह की वीडियो का बैकग्राउंड आपने वहां से ले लेना है। याद रखिएगा कि यूट्यूब की लाइब्रेरी को ही इस्तेमाल करना है और कोई सोर्स नहीं लेना, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक की बात। आप चलते हैं कि मटेरियल कहां से लाइए। तो मटेरियल के लिए आपको किसी किस्म की टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की किताब या किताबचा या कहानियों की कोई भी डाइजेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको बनी बनाई वीडियोस मिलेंगी, स्टोरीज मिलेंगी आपको। जस्ट आपने वहां पर जाकर कॉपी करना होगा और वहां से उसे कॉपी करके आप अपने पास कहीं भी आपने जाकर उसे एडिट करना है, काइन मास्टर से करते हैं या किसी भी सॉर्स से करते हैं तो वो आप करके अपने चैनल के लिए पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एडिट करने के बाद आप अपने चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइन और देता जाऊं क्योंकि आपके पास स्टोरी तो आ जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है। स्टोरी आने के बाद ये मुस्तकिल हल नहीं है कि आप अच्छी सी वीडियो बना लेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ और चीजें होनी चाहिए जो कि स्टोरी के लिए बनाने के लिए आपको जरूरी है। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है जिनका मैंने एंड स्क्रीन पर लिंक दे देना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आपने उनको भी लाजमी देखना है और वहां से सीखना है कि स्टोरी बनती कहां से। स्टोरी मटेरियल तो आप ले लेंगे, आप स्टोरी को बनाना कैसे, स्टोरी मूव कैसे होगी, बॉटम से अपवर्ड कैसे जाएगी और उसको किस तरह आपने एडिट करना है, मुकम्मल वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको स्टोरी मटीरियल कहां से लेना है, इसके लिए बहुत ही आसान सा रेफरेंस मैं दे रहा हूं। मेरा ही फेसबुक पेज है, मेरा अपना पेज है जहां पर आपको बहुत सारी दसियों हजारों किस्म की आपको स्टोरीज वहां पर मिलने जा रही हैं रोजाना की बुनियाद पर। आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन करना है और वहां पर जाकर उस पेज को लाइक फॉलो करना है और वहां पर आपको रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज भी मिलेंगी, सैड वीडियोज भी मिलेंगी, एथिकल वीडियोज भी मिलेंगी और इसके अलावा हमारे मुआशरे के हिसाब से बहुत सारी मुताबिकत रखती हुई वीडियोज भी मिलेंगी। तो आज ही आपने ये काम करना है और अपनी स्टोरीज को बनाना है। अब आपने वहां से जाकर कॉपी तो कर लेना और उसे आपने कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके लिए इसको आपको देखना होगा, थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल देखने होंगे, वो भी वीडियो मैं नीचे लिंक में दे रहा हूं, आपने वो भी देखकर उसको इस्तेमाल करना है और वहां से सीखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही आसान सा तरीका बताया, कोई हेर फेर नहीं है, कोई घुमाने वाली बात नहीं कि सीधी सी बात है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फेसबुक पेज को लाइक करेंगे और वहां से मेरी अपनी जो है वहां पर पोस्ट की हुई स्टोरीज को आप वहां से उठाएं और बगैर किसी परेशानी के बेधड़क वहां से उठाकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।